आत्मदर्शन के स्टूडियो में बरेली धर्म प्रांत से सेकंड लोगोस बाइबल राइटिंग कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में मिसेस जॉली इनोसेंट जो उदयपुर धर्म प्रांत से है उपस्थित है। आइए जानते हैं उनसे कि वे किस प्रकार अपने हाथों से इस पुराने विधान को लिखी है और किस फीलिंग के साथ में इस बाइबल राइटिंग कंपटीशन के इस कड़ी में वो भाग ले रही है। तो सर्वप्रथम आपका हमारे स्टूडियो में आत्मदर्शन टीवी की ओर से हार्दिक स्वागत। दीदी हमें बता दीजिए कि आपको ये बाइबल लिखने की कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई? मैं पहले चाह रही थी यहाँ जब लोगोस किस कंपटीशन जब आया था तो मैं उसमें अंदर वो भाग लेना चाह रही थी, पर मुझे मैं भूलने की आदत थी क्योंकि मैं माइग्रेन पेशेंट, इसलिए कुछ भी पढ़ने के बाद मैं भूल जाती थी। इसी वजह से मेरे को वो बाइबल किस कंपटीशन में किसी में भी भाग नहीं ले पा सकते थे। तो ऐसे एक बाइबल राइटिंग कॉम्पिटिशन जब आया था तो मैंने सोचा कि इस ये तो मेरे लिए एक गोल्डन चांस है, जो एक बार मेरे हाथ से पूरा बाइबल एक बार लिखा जाएंगे ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। ये सोचकर मैंने पहले नया विधान से विधान मैंने पूरा लिख दिया। नया विधान कब आप लिखी थी वैसे? इससे पहले जब कॉम्पिटिशन आया था 6 महीने पहले हुआ था जी, तब लिखा था मैंने। अच्छा, तो ये दूसरी बार आप? ये दूसरी बार ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस से लेकर रूत तक लिखना था, तो इस टाइम मैंने लिखा। आप लिखते समय कैसे फील कर रही थी? लिखते टाइम में जब नया विधान मैंने लिखा था, मेरे को हर तरह स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे पूरा सपोर्ट मिला। हर तरह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे। इवन इफ कोई भी, इवन ऑफिस में भी मेरे को हर लोग सपोर्ट करते। ऑफिस में ही बैठ कर मैं लिखती थी। अच्छा, ऑफिस में? आप ऑफिस में भी बैठ कर मैंने एक चैप्टर मैंने ऑफिस में बैठ के लिखा है। अच्छा, तो आपके साथी लोग तो देखे होंगे कि आप देखे, सब लोग देखे होंगे। जब मैं लिखती होती हूँ मेरे कमरे में, जैसे जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ये बाइबल लेके बैठ के लिखने स्टार्ट कर देती हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उधर मेरे लिए कोई काम लेके आता है तो बोले मैडम आप उसको कंप्लीट करो, उसके बाद 10 मिनट बाद में आती हूँ। तो आप वर्किंग वुमन है? Yes, I am working woman. अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं घर में ट्यूशन भी लेती हूँ। ट्यूशन भी लेती हूँ? हाँ, घर का सारा काम करती हूँ जी। आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे हस्बैंड सेंट पॉल में टीचर है, इनोसेंट जोसेफ है। मेरे दो डॉटर्स है, बड़ी वाली तो बीटेक करके अभी नौकरी कर रही है, बैंगलोर में कर रही है, असेंजर में कर रही है। छोटी वाली डॉक्टर इन फार्मेसी कर रही है, वो भी बैंगलोर में। तो आप अकेली हैं, तो मतलब घर का सारा काम करना होता है, उसके बावजूद भी टाइम कैसे निकाला आपने ये बाइबल लिखने के? ये मेरा टाइम कैसे निकला जाता है मुझे नहीं पता। ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये हुआ है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम में भी मैं एक घंटा निकालती थी, एक घंटा डेढ़ घंटा निकालती थी, और शाम को ट्यूशन अप टू 7 o'clock तक मैं ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन लेके मैं घर के काम सारा करने के बाद लंच डिनर बनाती, और उसके बाद में बाइबल लेके बैठ जाती, कभी 11 बजे तक, कभी 11 o'clock, 11:30 ऐसे लेके बैठ कर फिनिश कर। तो इतना समय बिताने से आपको कैसा लग रहा था? कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे बहुत मन में बहुत अच्छा लगते थे। इसके अंदर एक चैप्टर में आते हैं जो ऐसे मेरे को विश्वास नहीं होते, इसमें अंदर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब मैं डाउट होते थे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। और दूसरे चैप्टर में या दूसरा कोई वाक्य में मेरे को उसको क्लियरिटी मिल जाता है, तो मतलब बहुत खुश हो जाती थी मैं। लिखते समय आपको मतलब आपके मन में सवाल अपने आप होते, नहीं ऐसे नहीं, जवाब आपको बाइबल से ही मिल जाता, बाइबल से ही मिल जाता है। तो दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा चैप्टर में मैं सब सोचती हूँ अरे इसके रिजल्ट ये है, ये देखो ये फैक्ट है। तो मुझे जब कंप्लीट करी है पूरा, हाँ, मतलब आपने नया विधान कंप्लीट करी थी लास्ट ईयर शायद, और इस साल आप रूत तक पहुंच चुकी है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप आगे पूरा मतलब बाइबल एक बार तो लिख डालूंगी? मैं तो ये अभी भी ये सोचूं पूरा बाइबल मेरे हाथ से एक बार जाए तो मेरे जैसे मतलब मैं बहुत खुश किस्मत समझती हूँ। देखिए दर्शकों, आप सबों को बताना चाहूंगा, देखिए दीदी एक वर्किंग वुमन है, पूरा दिन का काम रहता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाथ बटाने के लिए कोई और नहीं है, उसके बावजूद भी वो समय निकालती है और अपने बाइबल आज कंप्लीट करी है। चलिए हम इस बाइबल को हमारे दर्शकों के लिए दिखाना चाहेंगे।
दीदी हमें बता सकती है कि इसकी क्या खासियत है? ये मैंने अपने डिज़ाइन करके, एक एक डिज़ाइन करके पूरा प्रिंट में दे दिया, प्रिंटिंग में दे दिया करने के लिए। जैसे मैंने बोला है उन्होंने एकदम मेरे जो मन में आया वैसे ही वैसे करके दे दिया। इंग्लिश में लिखी है आप? हाँ, इंग्लिश में लिखी है पूरा। और इसमें मैंने, कितना सुंदर देखिए। हाँ, ये मैंने ये एक रोसरी बनाया है इसमें अंदर, ये रोसरी बनाया हुआ ये पूरा जी। अपने ये अंदर, अंदर के पन्नों को भी हमारे दर्शकों को दिखा पाएगी आप? हाँ, आइए अंदर अंदर के एक एक पन्ने बताती हूँ आपको। ये मैं जोशुआ का वो फोटो लेके उसको डेकोरेट किया है। और ये हमारा फैमिली ट्री है, जो कैपड़ा कुंडल का फैमिली फैमिली ट्री बनाया हुआ, हमारे पूरा फैमिली का फैमिली ट्री बनाया हुआ है। तो इसको काफी कस्टमाइज किया है आपने? यस, मैंने अपने पूरा मोस्ट ऑफ द। तो ये आप जैसे बच्चे मतलब अपने सबसे खूबसूरत चीजों को संजोए रखते हैं, उस प्रकार शायद दीदी ने इस बाइबल को संजोए रखी है। देखिएगा कितना सुंदर है। थोड़ा जल्दी से पन्ने थोड़ा सा पलट लेंगे और बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया है, जैसे बच्चे सजाते हैं उससे भी काफ़ी खूबसूरत। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस बाइबल को उन्होंने कंप्लीट करी है। और आपको बताना चाहूँगा ये सारे हाथों से किया हुआ है और बहुत ही रोचक और सुंदर रूप से। मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, उधर बैठे बैठे उधर सपोर्ट किया है इसमें अंदर। ये जो डिजाइन पेज है मेरी बड़ी वाली डॉटर ने बनाया है। ये बड़ी वाली, तो ये एक पूरा फैमिली प्रोजेक्ट। हाँ, ये फैमिली प्रोजेक्ट। इस बड़ी वाली डॉटर ने ग्लैडिस इनोसेंट है मेरी बड़ी वाली बेटी, उसने बना के मेरे को भेजा है, मम्मी ये लगाना इसके अंदर। देखिए ओके, थोड़ा पन्नों को जल्दी से थोड़ा सा पलट लेंगे। हाँ, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। सभी लेटर लग रहा है एक जैसे लिखे हुए हैं। और एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद में इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, इसको ऐसे अलग किया जी। ओके मैडम, मैं आखिरी सवाल तक आना चाहूँगा कि ये बाइबल लिखते समय आपको आपकी लाइफ में आशीष कुछ अनुग्रह मिला हो, उसके बारे में हमारे साथ साझा कर सकते हैं अनुभव? बाइबल लिखते टाइम में मेरे मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जीवन में सारी चीज़ें अच्छा हुआ है, कोई भी बुरा नहीं हुआ है। मुझे मेरे मन में एक रियल मुझे एक मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी होती है। वो खुशी होती है जैसे ना हम बता नहीं सकते। कभी कभी मतलब पहले क्या होता था, मुझे बहुत टेंशन होते थे। देखिए बाइबल लिखने से एक खुशी जो बयान नहीं कर सकते, अलौकिक कह सकते हैं इसको। हाँ, इस प्रकार की खुशी से दीदी भर गई है, भर गई थी। और यही शायद सबका खास अनुभव रहता है। इसीलिए तो बाइबल राइटिंग कॉम्पिटिशन भी रखा गया है। और कुछ हमारे साथ में शेयर करना चाहेगी? ओके, मैं यूँ कहना चाह रही हूँ, पहले मुझे हर बार में टेंशन रहते थे कि ना मेरे परिवार के बारे में टेंशन होते थे, मेरे को हर चीज़ में टेंशन रहते थे। अभी ये जो बाइबल लिखने के बाद में स्टार्ट करने के बाद में मुझे वो कोई टेंशन नहीं है। मेरे मन के अंदर बहुत एक खुशी आती है, वो खुशी को मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा, मुझे आगे कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा शायद दीदी और कुछ बहुत बताना चाहती है लेकिन अपने पास समय बहुत कम है। एक और अनुभव में अभी मुझे याद है, मैं बता देती हूँ आपको। जब हमारे फातिमा रानी चर्च में मैं प्रेयर कर रहे मतलब मास के टाइम में एक बार जो फादर डांडी का ये बाइबल लिखते टाइम की बात है, फादर डांडी रीडिंग कर रहे थे तो ना उस टाइम में ना एकदम जास्मिन फ्लावर्स का स्मेल मेरे को मतलब उस टाइम जास्मिन फ्लावर का सीजन नहीं है जी। तो मैंने पता किया कि जास्मिन फ्लावर का सीजन नहीं है जी। तो इतना इतना खुशबू आ रहे थे तो मैंने फादर को जाके बोला, फादर आपको पता है आज आपका जब आप बाइबल पढ़ रहे थे मुझे इतना जास्मिन फ्लावर का स्मेल आया, तो फादर बहुत खुश हो गए थे उस टाइम। देखिए इस प्रकार का काफ़ी अनुभव हमारे जो बाइबल लिखे हैं उनका जीवन में हुआ है, इसलिए हम ये सब आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। देखिए और इसका दूसरा हिस्सा है मेरे परिवार का। अच्छा, दोनों परिवार के। देखिए दोनों इसको काफ़ी कस्टमाइज किया है, बहुत सुंदर बनाया है, जहाँ पर आप आपके
खास चीज़ों को रखना चाहते हैं वहाँ पर बाइबल के साथ में जोड़ रखी है। शायद यही उम्मीद से कि प्रभु की आशीष उन पर और उनके परिवार पर सदा बनी रहेगी बाइबल लिखने से, क्योंकि प्रभु का वचन सशक्त और जीवंत वचन होता है। उसको ये मेरी बेटी ने बना के वो भेजा है, मेरे परिवार का एक फैमिली ट्री अपने हाथों से बना के भेजा उसने, तो मम्मी ये लगाना यूं करके मैंने ये वाला देखिएगा। देखिए पूरा ये प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है कि बाइबल प्रोजेक्ट जो है वो सबों ने मिलकर यहाँ पर कंप्लीट किया है, क्योंकि सब कोई उस पर शायद अपना शेयर लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की आशीष सब पर बनी रहती है। बाइबल प्रभु का वचन होता है और उससे शक्ति निकलती है। उन्होंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। हमारे साथ इस समय बिताने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच।